तो दोस्तों आज हम जो जा रहे हैं सत्य साई जी टेम्पल ढेंकानाल में है। काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। ये ढेंकानाल टाउन से पड़ता है अराउंड 30 किलोमीटर्स। काफ़ी अच्छा रूट है, सीनिक रूट है। तो चलते हैं, मैं आपको उसके डिटेल्स के बारे में आगे जैसे हम बात करेंगे बताऊंगा। सो लेट्स गो। सब आज बिकॉज ऑफ दी ऑल दी लस्सी एंड एवरीथिंग दैट वी ट्राइंग। तो आज हम जाने वाले हैं, साई मंदिर है यहाँ पे नज़दीक ढेंकानाल में, 20-25 किलोमीटर करीब है। तो वहाँ पे जाएंगे, प्रसाद खाएंगे वहाँ पे और दर्शन करके आएंगे। तो छोटा सा ट्रिप रहेगा हम उसका कवरेज, यस उसका कवरेज हम आपको देंगे। सो चलते हैं, लेट्स गो। सो यहाँ से दिखा रहा है 24 किलोमीटर्स और हम निकल चुके हैं। नाउ विल क्रॉस द टाउन एंड यू नो एंटर टू दी कपिलाश रोड। कपिलाश रोड जो है, कपिलाश टेम्पल रोड दैट विल कनेक्ट टू योर ऑन द वे बेसिकली पड़ेगा ये टेम्पल। सो अभी हम जा रहे हैं, ये जो है ये रोड, ये कपिलाश रोड है। सिंगल रोड है, ट्रैफिक इतना रहता नहीं है। तो ये हम अभी पकड़ के निकलेंगे। तो अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं टाउन, ये क्रॉस करने के बाद आगे आपको भगवानपुर मिलेगा, स्मॉल विलेज है। उसके बाद से आपको फिर फार्मलैंड्स साइड में और नर्सरीज, फार्म हाउसेस ये सारे मिल जाएंगे। और रोड ऐसे ही सिंगल रोड रहेगा, रास्ते रास्ते में आपको स्मॉल ईटरीज मिल जाएंगे जहाँ पर यहाँ का फेमस दही बड़ा सेल होता है। तो ये रूट काफ़ी अच्छा है, सिंगल रूट है, अच्छे से मेंटेन्ड है। आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कोई ओकेजन है, कोई पूजा है कपिलाश में। जनरली क्राउड इधर कपिलाश या यू नो ऐसे ही ये जो छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर रूट है। ये जो 30 मिनट्स का आपका ड्राइव होगा, यू विल एन्जॉय इट। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये साई आश्रम का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। सो 1984 में श्री साई जी के जो डिवोटीज हैं उनको सपना हुआ कि दे शुड बिल्ड अ यू नो टेम्पल एंड कॉम्प्लेक्स इन ढेंकानाल, सो दैट वहाँ पे डिवोटीज सारे जगहों से आके आश्रम में पूजा कर सकें, मेडिटेट कर सकें इन ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद से यहाँ पे निर्माण हुआ है और लोग जगह जगह से यहाँ पे आके पूजा करते हैं और यहाँ पे स्टे भी करते हैं। देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेयर इन पीपल कैन स्टे, डिवोटीज कैन स्टे एंड दे हैव अ रूम, डीलक्स स्टैंडर्ड रूम्स एज वेल फॉर द डिवोटीज हु आर कमिंग फ्रॉम फार। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम, आज वी आर नियरिंग टूअर्ड्स द टेम्पल। रास्ता कितना सुंदर है एकदम, इट इज़ दोनों साइड में ट्रीज हैं, पूरा ग्रीनरी है, पैडी फील्ड्स है दोनों साइड, इट इज़ रियली गुड। एंड वी आर नाउ यू आर नियरिंग द पार्किंग एरिया ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे दो पार्किंग है, इट इज़ अ ह्यूज एरिया, दोनों फॉरेस्ट के बीच में ही है। और गाड़ी पार्क करके अभी हम एंटर करेंगे मंदिर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर और हाथ धोने के लिए पानी का भी सिस्टम है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पूजा शॉप्स हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री वगैरह खरीद सकते हैं। ये जो एंट्रेंस गेट है और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है विद रेगुलेशंस एंड यू नो टाइमिंग्स। सो अभी आप देख सकते हैं ये है पूजा का केंद्र जहाँ से आप यू नो प्रसाद वगैरह के लिए टिकट ले सकते हैं यहाँ से। और सो एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड हियर। पार्किंग में बाइक और कार पार्किंग का सेपरेट एंड दो पार्किंग स्पेस है बेसिकली। एंड इट्स अ वेल स्पेस्ड एंड मैनेज्ड प्लेस। आप देख सकते हैं मंदिर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पार्किंग का आप जो जगह देख रहे हैं, पार्किंग में इजीली 100 अराउंड व्हीकल्स कुड बी पार्क्ड। दे हैव अ टिकटिंग सिस्टम, 220 रुपीज़ पार्किंग के लिए लेते हैं फॉर कार, और बाइक के लिए 10 रुपीज़। सो अच्छे से मैनेज्ड एंड अंदर भी आप देखेंगे एवरी प्लेस
they have well organized, they have watering system, you know, for the plants. They have लोगों के लिए पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, हाथ धोने के लिए पैर धोने के लिए अलग से रिसाइकल किया हुआ है. सो ये आप देख सकते हैं गार्डन जो कल्प वृक्ष और गार्डन उनका है. दे हैव देयर ओन थिंग्स, यू नो, दे फार्म देयर ओन थिंग्स, वेजिटेबल्स हो के फ्रूट्स वगैरह का ट्रीज आप देख सकते हैं. प्लांटेशन अच्छे से हुआ है. इट इज़ अ 30 acre, यू नो, एरिया दैट दे हैव टेकन एंड वेल मैनेज्ड है. ग्रीनरी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्रीनरी गार्डन्स हैं लोगों के घूमने के लिए. दिस इज द प्लेस दैट यू से गौशाला है जहाँ पे दे हैव काउज एंड दे टेक केयर ऑफ देम. ये जो है ये आप देख सकते हैं पंथ निवास है जहाँ पे डिवोटीज कैन स्टे. दे हैव गुड एनफ रूम्स, स्टैंडर्ड एंड यू नो डीलक्स रूम्स, दे यू कैन बुक एट अ रीजनेबल प्राइस. और ये आप देख रहे हैं साइड में गार्डन्स वगैरह विच इज वेरी नाइस, नीट एंड वेल मेंटेन्ड. और यहाँ पे जो मेन कॉम्प्लेक्स है आप वहाँ पे देख सकते हैं डिवोटीज एंड श्री साई जी के डिफरेंट अवतार्स के यू नो फोटोज यहाँ पे लगाए हुए हैं. और टेंपल भी यू नो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. फैंस वगैरह लगाए हैं फॉर द डिवोटीज. दिस इज द वे टू यू नो दर्शन. सो आप देख सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग में किया हुआ है. अगर आप यहाँ पे आते हैं, मेडिटेट करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, बैठते हैं, यू विल यू नो फील द पीस एंड रिलैक्स माइंड सेट. तो इट इज़ नॉट अ ह्यूज प्लेस आई वुड से, बट छोटा सा अगर है जितना भी है, इट इज़ वेल स्पेस्ड एंड वेल मैनेज्ड इज व्हाट आई कैन से. सो देख सकते हैं दोस्तों, दे हैव ऑल दीज तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वॉक कर सकते हैं, बैठने के लिए अच्छे से मैनेज्ड है. सो हम यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं, हमको अच्छा लगा, यू नो, स्पेंडिंग टाइम हियर. इट वाज क्वाइट पीसफुल मूविंग इन द गार्डन. गार्डन एरिया जो है काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है. तो बैठने में आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा. चेयर्स वगैरह भी रखा हुआ है. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है कल्प वृक्ष, ये काफ़ी यू नो फेमस है. यहाँ पे बोलते हैं अगर आपको यू नो बांधते हैं कोई मनोकामना आपका है तो वो पूरा होता है. तो अगर कोई मन्नत रखते हैं आप उसको बांधते हैं तो और इन द राइट साइड दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्रसाद मिलता है आपको. आपको टिकट दिखा के प्रसाद लेना होता है. बहुत टेस्टी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है. वी रियली यू नो लाइक द प्रसाद दैट यू नो वी हैड हियर. कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इट वाज रियली नाइस. बैठने का अरेंजमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर है प्रसाद सेंटर के अंदर. दे गिव राइस, दाल, मिक्स यू नो मिक्स करी एंड साग, मिक्स साग एंड खट्टा देते हैं. और अलॉन्ग विद दैट दे गिव खीर. सो ये टोटल पूरा मिलता है आपको पैकेज में. बहुत ही टेस्टी रहता है, यू मस्ट ट्राई इट आई वुड से. यहाँ पे ग्रह संकल्प हैं जहाँ पे 7 ग्रह ग्रह मंडल हैं, आई बेग पार्डन, जहाँ पे आप यू नो 7 ग्रह हैं जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं. यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं. थोड़ा बैठने का इंतज़ाम है, चेयर्स वगैरह डाला हुआ है. इफ़ यू वांट टू गिव सम डोनेशन आल्सो दे हैव अ बॉक्स. सो ये पूरा एरिया यू नो हर जगह लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के साथ, एनीथिंग यू नीड हेल्प इन. सो ये पूरा जगह वेल अच्छे से मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है. सो एज अ डिवोटी व्हेन यू ट्रैवल यू वोंट हैव एनी यू नो हैसल इन टर्म्स ऑफ डूइंग दर्शन और डूइंग अदर थिंग्स, पूजा एंड ऑल. सो ये करने के बाद हम रिटर्न चले गए बैक टू आवर हाउस आफ्टर दर्शन एंड हैविंग प्रसाद. सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. इफ़ यू गाइज आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ढेंकनाल यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, नज़दीक में है एंड हासिल फ्री रहेगा आपके लिए. सो इफ़ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन लेट अस नो, यू नो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. सो इसी में आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस वीडियो.
तो आगे मैं आपको अदर दूसरे वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगा इन एन अराउंड ढेंकनाल टिल द टाइम आई एम हियर. सो टिल द टाइम यू नो वी मीट अगेन. आप ये सुंदर रोड्स का यू नो क्लिप्स देखिए एंड माउंटेन्स का व्यू देखिए एंड गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू. टेक केयर.